हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सिंगल पॉइंटेड डार्ट कैसे सिलाई लगानी है, नेकलाइन पे फेसिंग कैसे लगानी है, बायस फेसिंग कैसे लगानी है, शेप्ड फेसिंग कैसे लगानी है, स्लीव कैसे अटैच करना है और साइड सीम कैसे लगानी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले डार्ट की सिलाई लगाएं। बैक बॉडीज का डार्ट एवं फ्रंट बॉडीज का डार्ट बीच से फोल्ड करें। और नीचे से सिलाई लगाते हुए ऊपर तक आए। जैसे मार्किंग बताई थी वैसे ही सिलाई लगाएं। डार्ट में ध्यान रखें कि डार्ट टिप को कभी भी लॉक नहीं किया जाता है। लंबा धागा छोड़ा जाता है वहां पे, इस तरीके से। मैं एक डिफरेंट कलर के धागे से कर रही हूँ ताकि आपको विजिबल हो, बट आपको सैंपल सेम कलर के धागे से बनाना है। ये जो धागा छूटा है इसे आप नॉट लगा लें, पर कभी भी डार्ट टिप को मशीन से लॉक ना करें। ऐसे ही सभी डार्ट को सिल लें। बैक बॉडीज के डार्ट को भी सिल ले। डार्ट टिप पे लंबा धागा छोड़ें और उसको हाथ से नॉट करें। बैक बॉडीज के भी दोनों डार्ट को सिल लें। मैं फिर से आपको बता दूं, मैंने कॉन्ट्रास्ट कलर का धागा लिया है ताकि आपको कैमरा पे विजिबल हो। इस तरह हमने डार्ट सिल लिए हैं। ये बैक बॉडीज है और ये फ्रंट। अब हम फ्रंट के नेक लाइन को फिनिश करेंगे। फ्रंट बॉडीज के सामने के हिस्से, फ्रंट बॉडीज को सामने के हिस्से की तरफ रखें और
जो हमने फेसिंग तैयार की थी फेसिंग और बॉडीज के सेंटर नॉच को मिलाएं और जैसे दर्शाया गया है वैसा ही रखना है आपको। पहले फेसिंग के एज पे जो हमने फोल्ड करके आयरन से फोल्ड करके उसे सेट किया था उस पर एक कच्ची सिलाई लगा लें। फेसिंग काटने के जो प्रोसेस है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में शेयर किया है। बकरम कैसे अटैच करना है ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे शेयर किया हुआ है। ये वीडियो मेरे यूट्यूब लिंक पे यूट्यूब चैनल पे है, आप उसको बार बार देख सकते हैं। मैंने इसमें कॉन्ट्रास्ट थ्रेड यूज़ किया, आप सेम कलर यूज़ करिएगा, कॉन्ट्रास्ट थ्रेड से आपको इजीली विजिबल होगा इसलिए मैंने यूज़ किया है। ये फेसिंग का फ्रंट साइड है, दिस इज शेप्ड फेसिंग जो हम राउंड नेक लाइन के लिए यूज़ करेंगे अपने फ्रंट बॉडीज पे। फ्रंट बॉडीज के फ्रंट साइड को और फेसिंग के फ्रंट साइड को आमने सामने रखें और फेसिंग का जो रॉन्ग साइड है वो ऊपर की तरफ आना चाहिए। नॉचेस को मिलाएं और कच्ची सिलाई लगाएं। यहाँ आपको 5 नंबर टांका लगाना है। ये हम इसलिए लगाते हैं कि शेप्ड फेसिंग अपनी जगह से फिसले नहीं और स्टिचिंग प्रॉपर आए। अब जो हमने नेक की मार्किंग ली थी बकरम पे, उस पर रखते हुए हमें स्टिच लगाना है। लॉक करना ना भूलें। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान रखें कि हमें नॉचेस ज़रूर लगाने हैं ताकि हम मार्किंग्स को सही जगह पे मिला सकें। नॉचेस एक निशान की तरह काम करता है। हमने राउंड स्टिच लगा लिया है, अब इसे हमें काटना है। 1/4 इंच का सीम अलाउंस छोड़ते हुए कटिंग करना है आपको। यहाँ भी ध्यान रखेंगे, राउंड नेकलाइन हम जब भी बनाते हैं हमें उसके पूरे गोलाई में नॉचेस देने होते हैं। नॉचेस देने से राउंड नेकलाइन का शेप सही आता है। इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पे छोटी कैंची की मदद से नॉचेस लगाएंगे।
नाखून से शेप कर दें ताकि वो बहुत अच्छे से फोल्ड हो सके। अब शेप्ड फेसिंग को बैक साइड की तरफ मोड़ें। इसे आप आयरन से सेट कर लें। मैं यहाँ पहले इसे नाखून से सेट कर रही हूँ शेप को, उसके बाद आयरन से सेट कर देंगे। नॉचेस सही लगाएंगे, अदरवाइज आपके उसमें नेकलाइन में झोल आने की आशंकाएं रहती। इस तरह से आपका फ्रंट बॉडीज का शेप्ड फेसिंग रेडी है। अब हम बैक बॉडीज में बायस पट्टी जो हमने काटी थी उससे फेसिंग बनाएंगे। बायस पट्टी काटने के का तरीका मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। 1 इंच चौड़ी बायस पट्टी काटेंगे। बायस पट्टी सिलते वक्त ध्यान रखें कि पट्टी को हमें बहुत धीरे धीरे हल्के हाथों से पकड़ के सिलना है, खींचना नहीं है इसे। गाइडेंस के लिए प्रेशर फुट का एक पैर का चौड़ाई उतना लेते हुए किनारे से आप चलाएंगे तो आपकी सिलाई बराबर आएगी। पट्टी को खींचेगा मत, आराम से गोल घुमाते हुए। सिलाई लगाइए। ये जो हमने सिलाई लगाई है ये भी गोलाई में है, इसलिए हमें इसमें भी थोड़ी थोड़ी दूरी पे नॉचेस लगाना ज़रूरी है। जब भी आप राउंड नेक लाइन बनाएं, चाहे आप शेप्ड फेसिंग के बनाएं या बायस फेसिंग के साथ बनाएं,
नॉचेस लगाना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से फोल्ड करें और एक सिलाई लगाएं ऊपर से। आप इस फोल्ड को आयरन से भी सेट कर सकते हैं या अपने नाखून से भी सेट कर सकते हैं। अब इसे पीछे की तरफ फोल्ड कर दें और इसे आयरन से सेट कर दें। अब फ्रंट और बैक का शोल्डर अटैच करना है।
बैक का फ्रंट साइड और फ्रंट का फ्रंट साइड आमने सामने, शोल्डर को इस तरह से अटैच करेंगे कि आर्म होल साइड के नॉचेज आपस में मिलें। और लॉक करते हुए स्टिच लगाइए। लॉक जरूर करें। दोनों कंधे अटैच हो जाएंगे। अब स्लीव अटैच करना सीखेंगे। स्लीव में नीचे हमने जो फोल्ड अलाउंस छोड़ा था उसको दो बार फोल्ड करके सिलाई लगाना है दोनों आस्तीन में। आस्तीन लगाते वक्त ध्यान दीजिए फ्रंट आस्तीन को फ्रंट बॉडीज के साथ ही जोड़ना है और बैक साइड को बैक के साथ, तो आप उसे मार्क करके रखें